आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में रंगीला पहाड़ में। और आज रक्षाबंधन है, आप सबको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हमारे साथ मयंक सिंह कोरंगा है, ये मेरी दीदी का लड़का है और आधा ब्लॉग इसने बनाया है, शूट किया है। आपको इसका क्या शूट किया हुआ ब्लॉग भी दिखाएंगे ना मयंक? हाँ। जरूर देखने का बोल, जरूर देखना मेरा ब्लॉग, मेरा ब्लॉग। तो बने रहिए हमारे साथ, अभी अभी तो कुछ किया नहीं हमने। सो गाइस, जीजू को बात करते हुए दीदी खाना बना रही थी और खाने में आज क्या है, खीर बनाई जा रही है और मटर पनीर की सब्जी। अब मंको और मैं आटा गूंदने को, हमें आटा गूंदने का काम दिया गया था, दीदी ने कहा था आटा गूंदो करके, तो मैं कह रहा था मैं भी गूंदूंगा साथ में, तो हम दोनों लगे हुए हैं। सुबह के 8 बज चुके हैं। कितने बज गए? आज के सुबह के 8 बज गए हैं और अभी आटा बनाएंगे। आज रस्सा बनाना है आज, तो फिर वीडियो को जरूर देखना। सुधीर कहाँ से? मेरे को लग रहा है सुधीर के। तो खाना वाना बना दिया है हमने, तो अब हम राखी बांध रहे हैं। तो सबसे पहले मयंक को राखी बांधने जाएगी, क्योंकि मयंक अपनी राखी को लेकर कल से बहुत एक्साइटेड था। तो सबसे पहले मयंक को राखी बांधी, क्योंकि उसकी छोटी सिस्टर है वो गांव में है, इधर है नहीं, तो मयंक को उसकी मम्मी राखी बांध रही है। सो मयंक को राखी बांध दी है, तो अब गुलशन को राखी बांधती है चांदनी, क्योंकि वो सबसे बड़ी बहन है, तो सबसे पहले चांदनी राखी बांधेंगी, उसके बाद पूजा दी, उसके बाद मैं बांधूंगी क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ। हमारी एक और सिस्टर है बट वो हमारे साथ नहीं है इस साल, क्योंकि वो गांव में है और हम लोग उसको बहुत मिस करेंगे। वो होती तो बहुत ही मज़ा आता, हम सब साथ में होते, साथ में एंजॉय करते इस बार रक्षाबंधन, बट वो है नहीं तो हम उसे बहुत मिस कर रहे हैं।
सुरेल। थोड़ा उठ जावे या बैकग्राउंड बेकार होना। हाँ नहीं ले आगे सुरेल वहाँ इधर देख अभी नहीं लास्ट तो तू भी बैठे रहा हमारे माँ के साथ खीर की लास्ट में बैठे हैं बाद में हमने खा यार ना खीर मत खिलाओ बस हमने खाने को मिल रहा भाई अब हो गया ये बाद में हो रहा है किसने होता है किसने खींचा फोटो मोबाइल सिंपल कैसे जा मूव कर ले जैसा मैं देख बाल हो गए मैं तेरे बाल आ रहे सामने अच्छा ये तू भी बंदेगा तू देख तू भी देख दोनों एक बार एक वीडियो बनाओ बाल बड़े करके ही हो लड़की की तरह लिपस्टिक लगा के ऐसे नहीं बनवाऊंगा ओम जय जगदीश हरे भैया क्या को भैया वाला गाना गा रहा कौन सा गाओ मुक्ता भरे भैया इसमें मन कर गाना मन कर लो मैं भी नाऊंगी मेरे उसमें गाना नहीं आता है ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन हम भी बाद है 5 लाख का नुकसान हो चुका है ये देखो हो गया ने सबने राखी बांध ली है अब हमारा है खाने का टाइम मतलब लंच टाइम सुबह से किसी ने कुछ नहीं खाया तो अब खाना खा रहे हैं हम बहुत ही आज यम्मी यम्मी चीजें बनाई है हम लोगों ने आपको दिखाते हैं ये है खीर ड्राई फ्रूट डाल के भरपूर उसमें और ये पनीर की सब्जी पूरी और भाई पूरी नहीं खाता था उसके लिए रोटी बनाई है जली हुई रोटी डाली थी ऊपर तो हम सब खाने का टाइम हो चुका है अब हम खा रहे हैं खाने के लिए बैठ के खा रहे हैं थोड़ा मंकू का सामान लेके आना है 15 अगस्त का तो हम मार्केट जा रहे हैं तो आज आपको घंटाघर दिखाएंगे मार्केट तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ तब तक के लिए फाइनली हमको ऑटो मिल चुकी है इतनी देर पैदल चलने के बाद तो अब हम ऑटो में जा रहे हैं ये अब हम पहुंच चुके हैं घंटा घर मार्केट ये देहरादून का सबसे बड़ा मार्केट है तो सबसे पहले हमने मयंक के लिए 15 अगस्त के लिए कपड़े खरीदे क्योंकि उसका प्रोग्राम है तो उसके टीचर ने मंगवाए थे और उस टाइम वीडियो नहीं बनाई क्योंकि कॉल आ रही थी बार बार घर से
अब हम पहुंच चुके हैं अचार की शॉप में, जहां पर अलग अलग फ्लेवर में आपको किसी भी तरह का अचार मिल सकता है। यहां पे खुद से बनाते हैं अचार, और यहां पे घर वाली फीलिंग आएगी आपको घर के अचार की। और यहां पे खुद बनाए अभी बना रहे थे अचार, और मेरी दीदी को अचार बहुत पसंद है, पूजा दी को, तो उसे अचार चाहिए था हिमाचल ले जाने के लिए, तो यहाँ से हमने थोड़े से अचार खरीदे। कैसा हो रहा है? अच्छा नहीं हो रहा, 100। ये मयंक की बुआ हैं, जो मयंक को राखी बांधने के लिए आए हैं, क्योंकि ये सुबह नहीं आ पाए क्योंकि इनके घर में मेहमान आए हुए थे, तो ये नहीं आ पाए थे, तो शाम को आए हैं, तो मयंक को राखी बांध रहे हैं। ये नाला पानी के वहाँ उधर को रहते हैं देहरादून में।